मेरे बिहार सिविल कोर्ट के सारे साथियों, फाइनली बिहार सिविल कोर्ट का एग्जाम डेट जारी हो चुका है। तो चलिए कौन सा डेट है मैं सारा चीज बता रहा हूँ, और जो नोटिस है मैं उसको पढ़कर अच्छे से समझा रहा हूँ। जो नोटिस है इसमें क्या क्या दिए गए हैं, और आप लोगों को पता है कि आज के चार दिन पहले मैं जस्ट वीडियो डाला था, जाकर आप लोग देख भी सकते हैं और देख भी लिए होंगे बहुत सारे बच्चे। मैं बताया था कि नवंबर दिसंबर में आप लोग का एग्जाम हो जाएंगे, यानी कि छठ बाद आप लोग का जो एग्जाम है ये कंडक्ट करा लिए जाएंगे, यानी कि दिसंबर में एग्जाम ले लिए जाएंगे, ऐसा मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला था। और फाइनली ये 100% बात सही साबित हुआ, आप लोग का जो एग्जाम है ये दिसंबर में कंडक्ट हो रहे हैं, यही 2023 का दिसंबर, यानी कि टाइम भी बहुत कम है। और जो मैं बताया था 100% बात सही साबित हुई, तो आप लोग को ये पता चल गए होंगे, और आप लोग को आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और एक मेरा रिक्वेस्ट आप सभी से कि सबसे पहले और सटीक और सही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। अब अगला जो भी रणनीति होगा बिहार सिविल कोर्ट को लेकर, जो भी चीजें हैं मैं आप लोगों के साथ सारा चीजें शेयर कर रहा हूं। चलिए, जो नोटिस है, नोटिस में क्या दिया गया है मैं सारा चीज आप लोग बता रहा हूं। ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस आया है, मैं नोटिस अगर पढ़ दे रहा हूं, इसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाहूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक बच्चे जुड़े रहे बिहार सिविल कोर्ट वाले, आप लोग को बिलीव हो ही गए होंगे कि जो मैं बोलता हूं 100% बात सही साबित होते हैं, और कहीं आप प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं थोड़ा सा नोटिस पढ़ देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहते हैं, मैसेज रहते हैं कि भैया मैं कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करता हूं, जैसे सिविल कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, तो भैया इसमें समान ज्ञान से जीके जीएस से 60-70% क्वेश्चन आते हैं, अगर ये पोर्शन मेरा कंप्लीट हो जाए भैया तो मैं एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकता हूँ, सारा क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकता हूँ और मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएंगे। तो इसके लिए कौन सा किताब पढ़ें, तो मैं आज आप लोग को सजेस्ट करने वाला हूँ, ये किताब है पूजा पब्लिकेशन का, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये किताब में खास बात क्या है, अगर ये जो पूजा पब्लिकेशन का समान ज्ञान अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो कहीं भी कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम हो, गवर्नमेंट एग्जाम हो, इसमें आपका एक भी सवाल नहीं रुकने वाला है जीके जीएस का। जैसा कि ऊपर में देख सकते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछले 15 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित बनाया गया इस किताब को। इस किताब में खास बात क्या है ना, इस किताब से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि लड़ जाते हैं। इन व्यू ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रलाइज्ड सेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी डेटेड 24/7/2023 ड्यूली अप्रूव्ड बाय द ऑनरेबल कोर्ट, द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर पर्सुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2022 एंड स्टेनोग्राफर पर्सुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2022 आर हेयर बाय इन्फॉर्म थ्रू दिस नोटिस डेट। अब इसके आगे वाला जो बता रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, द प्रिलिमिनरी टेस्ट विल बी हेल्ड एट पटना इन द फर्स्ट सिटिंग हो रहा है 17/12/2023 फॉर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट इन द रेशियो ऑफ 1:10 फॉर द फाइनल रिटन एग्जामिनेशन इन कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर पर्सुएंट टू एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2022। यानी कि 17/12/2023 को पटना में फर्स्ट सिटिंग में जो है, जो प्रीलिम्स का है, ये एग्जाम होने वाले हैं किनका, कोर्ट रीडर का, ठीक है। दूसरा, द रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एट पटना इन द सेकंड सिटिंग में होने वाला है 17/12/2023, यानी कि सेम डे ही सेकंड सिटिंग में इन कनेक्शन विद अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, इनके लिए स्टेनोग्राफर के लिए हिंदी और इंग्लिश बाइलैंग्वल पर्सुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2/2022। मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा, और ये इनका राजीव रंजन सर का साइन भी है। तो फाइनली आप लोग का एग्जाम डेट आ गए हैं, 17 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में कोर्ट रीडर, सेकंड सिटिंग में स्टेनोग्राफर का 17/12/2023 यानी दिसंबर में एग्जाम ले लिए जाएंगे। अब सवाल उठता है कि भैया क्लर्क और प्यून का कब होंगे, उसका एग्जाम डेट कब आएंगे, तो मैं बता दे रहा हूं जनवरी में इसका एग्जाम डेट आ रहा है, ठीक है, जस्ट जनवरी में उसका एग्जाम डेट आ रहा है, उसका भी काम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, सारे का डेट आ जाएंगे, दो का डेट आ गया जनवरी में, उसका डेट आ जाएंगे, वो भी मैं आप लोग को बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा, सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे, अब सभी को पता चल गया कि जो कुणाल भैया बोलते हैं या कुणाल भाई बोलते हैं वो सही साबित होता है। तो जितने भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहे, और अगला इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़े रहे, जैसे ही आएगा मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर दूंगा।